कल के लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरों की क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म देखा जा रहा था, और क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि हमें जो मेन क्लासिफिकेशन है वो ध्यान ये देना है कि तीन इसमें आएंगे फ्लो के बेसिस पे। एक आपका आएगा एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो और फिक्स फ्लो, ठीक है। ये तीन टर्बाइन होगी, मतलब एक में एक्सियल फ्लो होगा, एक में मिक्स, एक में रेडियल। मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो वहां से आपको क्लियर होगा। देखिए जो पहला आपका है, यहाँ से देखो जो वाटर होगा वो इससे निकलेगा, देख रहे हो ये सब जेट लगे हैं और ये इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो पानी इसमें आपका डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। अब इसी में अगर बात करते हैं दूसरे, तो ये रेडियल फ्लो है, तो इसे रेडियली इस तरह कर रहा है पार्टनर आपका, ठीक है। इसी में कुछ इमेज और मैंने कहता हूँ आप लोग, देखिए आपका जो वाटर है ये एक केसिंग के थ्रू होकर के आ रहा है, यहाँ इस तरीके से घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। एक इस तरह का फ्लो है, मतलब ये बेसिकली फिक्स फ्लो टरबाइन होती है कि रेडियल इंटर करके ये फिक्स वाला है, रेडियल इंटर करता है और नीचे ऐसे निकलता है, ठीक है। मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें वाटर इस तरह से घूमते हुए रेडियली इंटर करता है और फिर नीचे से बाहर आता है, तो रेडियल और एक्सियल दोनों हो जाता है इसमें, ठीक। एक आपका इसमें एक्सियल फ्लो होगा, इसमें क्या है कि इस डायग्राम में देखो वाटर सीधे नीचे आ रहा है इस तरीके से, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से रोटेट करना है इसको, और पानी भी इसी एक्सिस से आ रहा है, तो एक्सियल फ्लो हो गया, ठीक है। रेडियल में इधर से इंटर करेगा, फिक्स वाले में इंटर ऐसे करेगा नीचे नीचे, ठीक है।
तो इसमें देखो तुम लोगों का एक्सियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है और फिर फ्लो टर्बाइन। ठीक है, एक्सियल फ्लो, रेडियल और मिक्सिंग तीनों मैंने बता दिया। ठीक, इसके बाद इंपल्स जैसे मैंने बताया था, इंपल्स में वाटर डायरेक्ट स्ट्राइक करता रिएक्शन में, मतलब चेंज होते रहते हैं इसके। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट वाले में पेल्टन व्हील टरबाइन थी आपकी, और रिएक्शन वाले में आप कह सकते हो कि कैपलन और फ्रांसिस टरबाइन थी। जब इसको मैं अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें आते हैं, अभी आज का टॉपिक रखते हैं हाइड्रोपावर प्लांट के बारे में। ठीक है, ये इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बेसिकली आपका हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट में कंपोनेंट देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट करता क्या है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, यहाँ पे हम पानी की सहायता से, मतलब हाइड्रो यानी वाटर, वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो होता क्या है कि हम पहले एक डैम बनाते हैं, ये आपका डैम है, इसके अप स्ट्रीम में ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, यहाँ पे हम वाटर स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे तो हमको यहाँ पे, यहाँ तक एक, मान लो अगर ये 50 मीटर की हाइट है, यहाँ तक का हमको पोटेंशियल हेड मिल जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर है हम इस वाटर के हेड को एक टरबाइन पे फ्लो कराते हैं जाकर के। तो ये पानी का प्रेशर होता है, तो इतना वेट ऑफ वाटर इसमें लगेगा तो ये प्रेशराइज हो जाता है और इसको ले आके हम टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट करता क्या है कि अप स्ट्रीम में वाटर रिजर्वायर क्रिएट करता है, अप स्ट्रीम में हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है ये, और ये नीचे टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ आप लोग को, ये टरबाइन है यहाँ नीचे, ये वाला हिस्सा, ये जनरेटर लगा हुआ है आपका। ठीक, और ये ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये दिया यहाँ से आपका। ठीक, तो जो ये वाटर है, इसका जो हेड है, ये इतना पानी का हेड, ये प्रेशर को अप्लाई करता है टरबाइन के ब्लेड पर, टरबाइन और घूमते हुए फिर ये ऑपरेट करना शुरू करता है। ठीक, तो टरबाइन में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, डैम वहीं पे से देखो, चार कंपोनेंट होते हैं आपके, डैम, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन। ये हाइड्रो पावर प्लांट के मेन चार कंपोनेंट होते हैं। डैम क्या करता है, डैम तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, डायग्राम में क्या है आपके डैम में, ये देखो, ये डैम बना हुआ है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बनाते हैं ताकि ये अपने अप स्ट्रीम में पानी को रोक सके। आप लोग खुद वगैरह में डैम देखते होंगे, तो डैम क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर कंक्रीट का ऐसा, जो कि आपका वाटर को रोकता है। ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम का डैम पानी को इकट्ठा करता है और कुछ हाइट इकट्ठा करता है। देखो ना, यहाँ से लेके इस हाइट तक इतने पानी रोका हुआ है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर इतनी हाइट का डैम होता है, ताकि ठीक ठाक अमाउंट में हमें प्रेशर हेड, मतलब पोटेंशियल हेड मिल सके। ठीक, तो डैम किसी भी रिवर के क्रॉस बनाते हैं, मतलब कि नदी ऐसे बह रही होगी, तो नदी के बीच में ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ का पानी बढ़ना तो शुरू होता है। आप देखते हो ना,
बीच में मान लेते हैं पहाड़ है, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ एक डैम बना देंगे, तो यहाँ तक का वाटर लेवल फिक्स हो गया, ये पूरा ऐसे पानी भर जाएगा। मूवी वगैरह में आप देखे होंगे डैम के बारे में, तो ये सर्च कर लेना डैम कोई भी दिख जाएगा आपको। डैम बना हुआ है, ये सीधी का लंबा किया गया है करके, मतलब ये पूरा हिस्सा डैम का ही है यहाँ से यहाँ तक का। तो समझते हैं डैम में पहले यहाँ ट्रेस लाइट लगाते हैं, ट्रेस लाइट TRASH ट्रेस लाइट, तो जो डेब्रीज वगैरह कूड़े कचरे को बाहर करता है, ठीक है। तो ये जाली कह लो, स्प्रेडर कह लो, जब पानी जाएगा तो यहाँ पे पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह जमा नहीं होंगे, ठीक है, तो अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कोई गिट्टी चली गई अंदर, गिट्टी या पत्थर, तो टरबाइन की प्लेट को तोड़ देगा ये, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक स्ट्रेटर लगाते हैं या ट्रेस रैक, मतलब जाली यहाँ पे जहाँ से इनलेट होता है। फिर एक स्पेशल पाइप होती है जो फ्रिक्शनलेस पाइप होती है, और उसको स्पेशल डिजाइन करते हैं टरबाइन पे पानी को पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं पेनस्टॉक, PENSTOCK। ये जो पाइप गई है टरबाइन तक, मतलब डैम यहाँ पानी यहाँ से लेके यहाँ ले जाने में जो पाइप है उसको बोलते हैं पेनस्टॉक, ठीक है। वर्ड आएगा आपके आगे कि पेनस्टॉक क्या होता है। पेनस्टॉक एक ऐसी पाइप होती है जो पानी को टरबाइन पे लेके जाती है, कोई डैम है तो उसके अपस्ट्रीम साइड से वाटर को टरबाइन के ब्लेस तक लेके जाएगा, ठीक है। टरबाइन क्या होती है, जैसे ये टरबाइन है, इस तरीके से मान लो उसमें ब्लेड लगे, यहाँ से पानी इस पे स्ट्राइक करेगा, ये इसको अच्छे से चलेगा, फिर से ये घूमना शुरू होगा। ये जो हाइड्रो एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक। फिर इसके पीछे एक शाफ्ट लगा होता है, ठीक है, और इस शाफ्ट के पीछे एक जनरेटर लगा होता है, जनरेटर क्या करता है, टरबाइन से रोटेशनल एनर्जी को निकाल करके और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। फिर हम ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप करते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है।
इसको डायग्राम है, ठीक है, नेट पे और भी डायग्राम आपको मिल जाएंगे। हाइड्रोपावर प्लांट पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हाइड्रोपावर प्लांट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, तो जो मेन कमरे मैंने बताए हैं वो, जैसे पहला यही है आपका डैम, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका टरबाइन हो गई, ठीक, ये आपका हो गया जनरेटर, ये लाइंस हो गई, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये पेनस्टॉक हो गया, ठीक, तो ये आपका एक हाइड्रो पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये आपका वाटर लेवल है, ये आपका हेड है एक तरीके से, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं टरबाइन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन का पहला उठाएंगे हम लोग, पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में था, जिसमें मैंने बता दिया डायग्राम से, बाकी चीजें आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, नोट इन द सेंस की ये चीजें आपको नोट डाउन करने होंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो किसी को, या नोट करना नोट कर लीजिए। फिर अभी एक लेक्चर में और इस पे बनाता हूँ टरबाइन का पहला पार्ट, ठीक है।